और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हम आपको बता दें कि करीब 7 फैक्ट्रीज पर छापा मारा गया है और बताया जा रहा है कि इनसे 20 करीब 20 की संख्या में जो बाल मजदूर हैं उनको छुड़ाया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, 7 फैक्ट्रीज पर छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। एसडीएम और एनजीओ ने मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया और 20 बाल मजदूरों को रिहा कराया गया है। और ज्यादा जानकारी के लिए रुख करते हैं हमारे संवाददाता दिनेश गोस्वामी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, किन इलाकों में है ये फैक्ट्रीज जहां पर ये छापे मारे गए हैं? अब से लगभग 11 बजे के आसपास, 2 घंटे पहले एसडीएम की, एसडीएम सीलमपुर और जो एनजीओ है बचपन बचाओ आंदोलन की टीम थी और लेबर डिपार्टमेंट के लोग और दिल्ली पुलिस संयुक्त रूप से यहां से चली थी। और ये लोग गोंडा कॉलोनी जो उत्तरी पूर्वी दिल्ली में है, गोंडा कॉलोनी में जो कारखाने चल रहे हैं, अवैध कारखाने हैं ये, वही में बाल मजदूरों को लगाया गया है। तो इस पर 7 फैक्ट्रियों पर इन्होंने छापा मारा है। तो छापे के दौरान यहाँ से लगभग 26 बच्चे जो बाल मजदूर हैं उनको छुड़ाया गया है। इन बच्चों से जो बातचीत दिल्ली आरक्षक के द्वारा की गई है उसमें बताया इन बच्चों ने कि उनको जबरन यहाँ पे लाया गया और उनसे करीब 50-70 रुपए के आसपास मजदूरी देकर के इनको रखा गया था यहाँ पे और 14 घंटे काम कराया जा रहा था। तो एसडीएम जो यहाँ के सीलमपुर के हैं उन्होंने और जो बचपन बचाओ आंदोलन एनजीओ है उसने छापा मारा है और इन बच्चों को रेस्क्यू कराया गया। 26 बच्चे हैं इस समय और कुछ जो फैक्ट्री हैं, जो 7 फैक्ट्री हैं उनके जो मालिक हैं या उनके जो साथ में काम करते हैं ऑर्गेनाइज तरीके से इन फैक्ट्रियों में काम कराते हैं तो उनको भी पकड़ा गया है। 7 लोगों को भी पकड़ा गया है। जी दिनेश, आप नजर बना रखें, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो हम आपको बता दें कि गोंडा इलाके में करीब 7 फैक्ट्रीज पर यह छापा मारा गया है और एसडीएम और एक एनजीओ ने मिलकर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया है। और अब तक जो खबर आ रही है उसके मुताबिक करीब 26 बाल मजदूरों को यहां से रिहा करवाया गया है और कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है।